बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अपने बच्चों को फरमाइश पर बनाने जा रही हूँ मशरूम स्टू, जिसके लिए आपको चाहिए 600 ग्राम मशरूम, 300 ग्राम प्याज, 2 लहसुन का पोट, 25 ग्राम अदरक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी गरम मसाला और 2 तेज पत्ता, 50 ग्राम दही। अब मैं मशरूम को कट करने जा रही हूँ। पहले मशरूम को अच्छी तरह से गर्म पानी में धो लें, उसके बाद अगर बड़े मशरूम है उसे चार पीस करें इस तरह से, और छोटे हैं उसके 2 पीस करें। आपको इसका स्वाद बिल्कुल चिकन की तरह लगेगा। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इस मशरूम को कट कर लिया है, छोटों को 2 भाग में और बड़ों को 4 भाग में। अब इसमें मैं प्याज मिलाऊंगी, जो मैंने पहले से ही कट करके 300 ग्राम प्याज, 600 ग्राम मशरूम में 300 ग्राम प्याज डाले। मैंने प्याज डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो इसे ज्यादा कम भी डाल सकते हैं, मैंने 2 चम्मच डाला है। छोटी चम्मच है तो 2 चम्मच हल्दी पाउडर, बड़ी चम्मच है तो 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। एक चम्मच गरम मसाला, 50 ग्राम दही, 3-4 चम्मच सरसों तेल। सब्जी में मिक्स करें और अच्छे से मिलाकर उसको मैरिनेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में। 10 से 15 मिनट हो गए, अब मैं सब्जियां से निकाल देती हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया है और आंच को तेज कर दिया है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं तेल डालूंगी 2 से 3 चम्मच, क्योंकि मैंने पहले भी तेल उसमें डाला था, इसलिए मैं 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी और इसे गर्म होने दूंगी। अब तड़के के लिए मैंने लिया है जीरा 1 चम्मच, 4-5 कली लहसुन का, 2 तेज पत्ता, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, इसे मैं तड़के में डालूंगी। ये जब पूरी तरह से तड़क जाए अब इसमें मैं डालूंगी मशरूम। मैंने इसमें पहले ही मसाला मिलाकर रखा था, मेरी सहेलियों, मेरी बहनों, खाना सिर्फ मसालों से टेस्टी नहीं बनते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। थोड़ा सा प्यार डालें, उससे भी खाना टेस्टी बनता है, क्योंकि बनाने वाले का प्यार ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप प्यार से खाना नहीं बनाएंगे तो खाना कभी भी टेस्टी नहीं बनेंगे, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करें, बीच बीच में से चलाते भी रहें। देखिए पानी कितना छोड़ दिया है सब्जी में, और चला लें उसके बाद फिर से बंद कर दें और आंच को बीच बीच में इसे चलाते रहें और देखते रहें। ये पराठा के साथ या पूरी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में,
आप इसे एक बार बनाकर जरूर देखें। सब्जी में कभी भी केमिकल या रंग नहीं डालें, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। देखने में भले ही खूबसूरत ना लगे, लेकिन ये सब्जी नुकसान आपको नहीं करेगा। 25 से 30 मिनट हो गए हैं, अब मैं सब्जी को निकाल कर देखूंगी। मेरे सब्जी बन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। अब मैं इसे चूल्हे को बंद कर देती हूँ, इसको धनिया पत्ता डाल देती हूँ। देखिए सब्जी देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे बॉल में निकाल लेती हूँ। इसे आप पूरी या पराठा के साथ खुद भी खाएं, अपने गेस्ट को भी खिलाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। और इसे मैं आपको खाकर दिखाती हूँ, खाकर बताती हूँ कैसे। यह है मशरूम स्टू, जो बिल्कुल ही मटन का स्वाद दे रही है। इसे एक बार जरूर ट्राई करें, घर में बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं।